तो हेलो भाई लोग, कैसे हो। मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकल रूप है। और आज मैं साउथ की मूवी लेके आऊँ जिस मूवी का नाम है गोवा क्रोनिका। और इस मूवी को हिंदी डब वर्जन में नाम रखा गया है लव बर्ड्स। और ये मूवी 2021 में आई थी और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा रोमांस। और इस मूवी की IMDb रीडिंग है 4.9। भाई इस मूवी की रीडिंग भले ही कम है लेकिन यह मूवी बहुत बढ़िया होने वाली है। और गूगल यूजर ने इसे 66% के स्कोर दिए। और इस मूवी का डायरेक्शन क्या है मोहन बाबू ने। और इस मूवी की कास्ट में आपको बड़े बड़े एक्टर देखने को मिल जाएंगे, प्रिया लाल, राहुल रामकृष्णा, सत्यदेव कोचराना और प्रियदर्शनी। और ये मूवी एक मास्टरपीस मूवी होने वाली है। और भाई इस मूवी की स्टोरी एकदम यूनिक है और मूवी में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और इस मूवी को देखने के बाद भाई मैं टोटली इम्प्रेस हो गया था। और अगर मूवी के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें ना तो मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स है ना भाई उनको बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। और अगर स्क्रीन राइटिंग की बात करूँ तो भाई स्क्रीन राइटिंग भी बहुत बढ़िया है। और इस मूवी को देखने के बाद ना भाई आप टोटली इम्प्रेस हो जाओगे और मूवी में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई है। और इस मूवी से भाई कैरेक्टर में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये पूरी मूवी ना लव रिलेशन के आसपास घूमती है। और इस मूवी में देखने को मिलेगा दो कैरेक्टर है जिनकी ना अंडरस्टैंडिंग कितनी मिलती है लेकिन एक दूसरे को ना देखे बिना वो कैसे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कैसे इनकी बात आगे बढ़ती है, ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और मूवी में भाई आपको एक अलग ही तरह का ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। और ये मूवी ना बेस्ट मूवी की लिस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। और अगर इस मूवी के प्लॉट पे ना तो इस मूवी में आपको एक लड़की का कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो एक ना वायलिन का कोर्स करना चाहती है। उसके फादर बोलते हैं कि इस कोर्स को करने की परमिशन मैं तब दूंगा जब तुम इस कोर्स को करने के बाद ना मेरे कहे हुए लड़के से शादी करोगे। और कैसे वो अपने फ्रेंड के पास चले जाती है इस कोर्स को सीखने के लिए और वो ना उसको एक रूम दिखा देती है और उस रूम से ना दो रूम कनेक्टेड होते हैं और दूसरे रूम में ना एक लड़का होता है और वो किसकी प्रिपरेशन कर रहा होता है और इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलती है और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं बिना एक दूसरे को देखे। और भाई स्टोरी में क्या क्या मोड़ आते हैं ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी को देखते समय ना भाई आपको भी क्यूरियोसिटी होगी कि इन दोनों का आमना सामना कब होगा और कब वो हसीन पल आएगा या दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, सारी चीज आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगी। और अगर इस मूवी के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें ना तो इस मूवी में आपको सत्यदेव का कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसको ना शोर बिल्कुल पसंद नहीं है और उसका ना एक ड्रीम होता है कि मैं एक ऐसा इंजन बनाऊं जो बिल्कुल आवाज नहीं करे और वो अपने पापा की तरह ना आवाज को बिल्कुल सहन नहीं कर सकता और अगर उसके सामने कोई नॉइस पॉल्यूशन फैला रहा होता है ना तो वो कैसे उसकी क्लास लगा देता है और इसी चक्कर में वो दो तीन बार पिट भी जाता है और हमेशा ना उसका दोस्त उसको बचा लेता है। और अगर प्रियालाल के कैरेक्टर के बारे में बात करें ना तो वो एक म्यूजिक का कोर्स करना चाहती है और उसके फादर ना उसको एक शर्त पे ना ये कोर्स करने की परमिशन देते हैं और ये जो ड्रीम होता है ना उसकी माँ का होता है और उसके जो फादर होते हैं ना वो कैसे अपनी बीवी की कभी हेल्प नहीं करते ना कभी उसको सपोर्ट करते हैं लेकिन वो लड़की ना ये कोर्स करना चाहती है और लास्ट तक वो इस कोर्स में सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगी। और अगर राहुल के कैरेक्टर की बात करें ना तो इस मूवी में ना उसका एक बहुत बड़ा गैराज है और कभी भी सत्यदेव के कैरेक्टर को ना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ना इंजन की जरूरत होती थी ना तो कैसे राहुल वो सारे अरेंजमेंट करके देता था और जिसकी वजह से ना उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती थी। और एक बार ना सत्यदेव किसी एक की बुलेट खराब कर देता है और वो पर्सन भाई कौन होता है ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगी। और अगर प्रियदर्शी के कैरेक्टर के बारे में बात करें ना तो वो ना एक दिल पे एक आशिक है और कैसे हर लड़की के ना पीछे पीछे घूमता रहता है और जिसकी वजह से ना लोग ना उसको आवारा समझते हैं और बोलते हैं कि तू लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकता लेकिन इतनी सारी लड़कियों से रिलेशनशिप होने के बावजूद भी ना उसे सच्चा प्यार नहीं मिलता और क्या लास्ट तक उसको सच्चा प्यार मिल पाएगा या नहीं ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और अगर इस मूवी के बेस्ट सीन की बात की जाए ना जो प्रियदर्शी का कैरेक्टर ना जब बाजार में अपने दोस्त के साथ खरीदारी कर रहा होता ना तो कैसे एक लड़की उसका प्रैंक कर देती है और भाई वो प्रैंक बड़ा ही गजब होता है और कैसे भाई उसकी वाट लग जाती है, भाई वाला सीन मेरा फेवरेट सीन है। भाई इस वीडियो में इतना ही, आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना इस मूवी को देखने का ना आपका मजा खराब हो जाएगा। और अगर ये मूवी आपने देखी है ना तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और इस मूवी का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।